नमस्कार, मैं आर्स बिहार से पंकज गौतम फ्लीट ओनर बोल रहा हूँ। जैसा कि अभी एक वीडियो मैंने देखी थी आज कि वीर शाही का स्टिकर हटाओ, ये हमारा प्रोग्राम छीन रहे हैं या हमारी पार्टियाँ काट रहे हैं, उनके लोकेशन पे पहुँच के अपना रेट लिस्ट ले आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। मैंने इनका एक ट्रक बुकिंग ऐप भी यूज़ करके देखा था, मैं क्या है इसके अंदर देखे तो उसमें क्या है कि पार्टियाँ ऑनलाइन रेट डालती हैं, उनको शूट करता है, वो प्रोग्राम डाल देते हैं। तो जो आप ये वीर शाही का स्टिकर है, इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और दूसरा, ये एक फ़ायदा ही है, इसमें क्या है कि रेडियम इफेक्टिव स्टिकर है ये जो वीर शाही का है। जैसे कि रात में गाड़ियाँ चलती हैं, धुंध पड़ती है, तो धुंध में लाइट पड़ने से उसमें चमक जा जाती है, सामने से गाड़ियाँ दिख जाती हैं कि हाँ भाई गाड़ी जा रही है, इससे एक्सीडेंट होने के कम चांसेस होते हैं। तो मेरा मानना यही है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी सभी गाड़ियों पे स्टिकर लगे हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ना कोई ऐतराज़ है, ना ही मेरी आज तक कोई पार्टी व्हील चाहिए के पास गई है जो मेरी खुद की पार्टी है। तो जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं, सरासर झूठ है, ये सब सिर्फ और सिर्फ दलाल कर रहे हैं, क्योंकि दलालों की दलालियाँ ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वीर शाही जी अपना स्टिकर चिपका लेती है या कुछ कर लेती है। दूसरी बात, एक और चीज़ थी, वो थी जीपीएस कि जीपीएस की लोकेशन ट्रैक करके, तो जीपीएस की लोकेशन ट्रैक करके पार्टी के पास नहीं पहुंचते हैं, उल्टा जो ये क्या करते हैं, जिसको लोड दे रहे हैं, जिसका लोड आया पार्टी का, गाड़ी वाले को दे दिया, पार्टी वाले को उस गाड़ी की लोकेशन दे देते हैं, जिससे कि पार्टी वाला जब मर्जी ट्रैक करके देख सके उसका माल कहाँ पहुँचा है। और कुछ भी नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, ट्रांसपोर्टर माल उठा लेते थे, एक एक दो दो महीने तक अपने पास रखते थे, उसके बाद डिलीवर होता था, वो गोली गोली देते रहते थे, गाड़ी यहाँ पहुँच गई, बस पहुँचने वाली है, 2 घंटे में पहुँच जाएगी, 1 दिन में पहुँच जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो धन्यवाद।